शाहीन बाग एक विचार है जहां भारत के झंडे और भारत के संविधान का कवर है और भारत के तोड़ने वालों को मंच दिया जाता है, जहां पर मासूम बच्चों की मासूमियत को छलावा देते हुए उनसे प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जाता है। लेकिन ये विरोध विरोध के लिए नहीं है, ये विरोध मोदी विरोध है। अभी रविशंकर प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इतने में वहां शाहीन बाग हो आते। ये शाहीन बाग के रास्ते भारतीय जनता पार्टी खोलना ही नहीं चाहती। गृह मंत्री अमित शाह जी को, पीयूष गोयल जी को, रविशंकर प्रसाद जी को, जितने इनके बड़े बड़े नेता हैं, सबको जाना चाहिए शाहीन बाग। ये केवल और केवल हर चीज के ऊपर, देश के ऊपर, देश की सुरक्षा के ऊपर, लोगों की सुविधा के ऊपर, हर चीज पे गंदी राजनीति करते हैं। और आज केजरीवाल ने ट्वीट किया कि शाहीन बाग से लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ पड़ती है, भाजपा वाले जरा भेजाकर उनको समझाए। भैया हमारा तो नहीं मानेंगे, तुम चले जाओ। केजरीवाल जी मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये भारत माता के टुकड़े करने वालों की जो गैंग है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, जिसके आप भी एक सदस्य हो। मित्रों, केजरीवाल दिल्ली की जनता को बताए कि ये जो भारत माता के टुकड़े करने के जिन्होंने नारे लगाए थे, उनको आप जेल में डालने की परमिशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ये शाहीन बाग पर अरविंद केजरीवाल की चुनावी घेराबंदी है, जिसमें खुद अमित शाह लगातार 5 दिन से मोर्चे पर लगे हैं। केजरीवाल को घेरने के नए मौके बीजेपी को उन वीडियो से मिल रहे हैं, जो शाहीन बाग जैसे कई सीए विरोधी मंच पर रिकॉर्ड होकर पिछले कुछ दिनों से बाहर आ रहे हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। उनका उद्देश्य सीए को लेकर कंफ्यूजन नहीं है, उनका विरोध नरेंद्र मोदी का विरोध है, उनका विरोध बीजेपी सरकार का विरोध है, और उनके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग खड़े हैं। शाहीन बाग के पीछे केजरीवाल जी की भी ताकत खड़ी है। जो लोग मोदी जी के विरोधी हैं, हारे हुए लोग, अर्बन माओविस्ट हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये सभी लड़ाते हैं तिरंगा, लेकिन बात करते हैं आसाम को भारत से तोड़ने की। अब शाहीन बाग को बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली का चुनावी मुद्दा बना लिया है, और ये एक के बाद एक शाहीन बाग के धरने को लेकर आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस और अमित शाह के आक्रामक भाषणों से बिल्कुल साफ है। कमल के निशान पर बटन इतने जोर से दबाना कि बटन तो यार इठाला में दबे, करंट शाहीन बाग में लगे। जब इस तरह के चुनावी तेवर हों, तो फिर टीम केजरीवाल के लिए चुप रहना या किनारा करना आसान नहीं। मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी आखिरकार बोलना ही पड़ा, जिसका शायद इंतजार ही अमित शाह कर रहे थे, इसलिए जवाब भी तुरंत मिला। गृह मंत्री अमित शाह जी को, पीयूष गोयल जी को, रविशंकर प्रसाद जी को, जितने इनके बड़े बड़े नेता हैं, सबको जाना चाहिए शाहीन बाग। ये केवल और केवल हर चीज के ऊपर, देश के ऊपर, देश की सुरक्षा के ऊपर, लोगों की सुविधा के ऊपर, हर चीज पे गंदी राजनीति करते हैं। लोग कह रहे केजरीवाल से हमको परमिशन चाहिए, आज परमिशन दे दी। बीजेपी वालों चलो करो, अभी 1 घंटे में खुलवा दो रास्ता। आप कहते थे हम शाहीन बाग के साथ है, हिम्मत है, तो वहां जाकर बैठो उनके साथ धरने पर, और दिल्ली की जनता बाद में फैसला करे कि वहां धरने पर बैठने वाले को सत्ता सौंपनी है या दिल्ली को सुरक्षित करने वाले नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपनी है। मित्रों इतना ही करें। अब शाहीन बाग से क्या, किसका और कितना चुनावी फायदा और नुकसान होगा, इसका तो अंदाजा नेताओं और चुनावी रणनीतिकारों को ज्यादा होगा। लेकिन दिल्ली के चुनावी कैंपेन में जिस तरह से शाहीन बाग के धरने पर टकराव हावी होता जा रहा है, वो सबकी बेचैनी बता रहा है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपने शाहीन बाग के लिए एक अपील भी किया कि मेरे शाहीन बाग के भाइयों बहनों, ये बहुत गलत कर रहे हो, या आपको ये प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। सच्चाई क्या हुई है कि ये लोग तो कह रहे थे हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, तो जब सरजील इमाम की जानकारी आई कि ये देश को तोड़ने वाला है, तो इन लोगों को लगा हमारा तो भेद खुल गया। जब भेद खुल गया तब करें अरे शाहीन बाग बंद कराओ, शाहीन बाग बंद कराओ। शाहीन बाग तो बीजेपी सरकार
तुरंत बंद करा देती अगर बच्चे और महिलाएं सामने न होते। इस राजनीति के बीच इतना तो साफ है कि शाहीन बाग के धरने पर टकराव को 5 दिन से बीजेपी जिस तरह से चुनावी फोकस पर लाना चाह रही थी उसमें वो अभी तक तो कामयाब रही, लेकिन क्या इससे अमित शाह अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हिमांशु मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।